मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने चंद शेर आपको पेश करना चाहता हूँ। सुना उड़ते हुए परिंदों को कैद कोई कोई कैद नहीं कर सकता अपराध। उड़ते हुए परिंदों को कोई कैद नहीं कर सकता अपराध। जो अपने होते हैं वो खुद ही लौट आता। एक और शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से वाकी, ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से वाकी, जरा बाहर निकल लाए अपना ही आशाना भूल जाए। दिखाई नहीं दे साफ रिकॉर्डिंग हो रही है। इन दोनों शार के जवाब में इकबाल साहब फरमाते हैं, परिंदे हवाओं से वफा करते हैं ज़मीन से नहीं, परिंदे हवाओं से वफा करते हैं ज़मीन से नहीं, अगर परिंदों से वफा चाहिए तो आसमान में उड़ना सीखो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और ये भी हमारा 31वां ब्लॉग है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले 30 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 30 दिनों में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हम नहीं कर पाए और ज़्यादा क्रिएटिविटी हम नहीं दिखा पाए। उसकी मेन रीज़न ये थी कि एक तो यार इन 30 दिनों में से 20 दिन तो भाई की तबीयत ख़राब रही, ठीक है, और एक तो तबीयत ख़राब, दूसरा उसके साथ फिर लॉकडाउन। तो खुल के अपनी जो चीज़ है मैं वो ना आपके सामने कभी कहानी पेश कर पाया, ना ही बोल पाया। और आई लिटरली जस्ट वांट टू कन्फेस इट कि मैं अपना 100% किसी भी वीडियो में तकरीबन मैं नहीं दे पाया। कुछ 4-5 थी जिनमें दे पाया, लेकिन बाकियों में बस हिम्मत करके ब्लॉग करना होता था वो ब्लॉग कर लेता था। और जी आज 3 ट्रिप्स लग चुकी हैं भाई को और डेली 3 लगती हैं, मतलब एक ड्रिप होती है और 2 इंजेक्शन होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ अब और उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद भी अच्छा फील करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ आज जो दूसरी बात करनी थी वो ये करनी थी कि आप में से अक्सर लोग जो मेरे पास व्हाट्सएप पर ऐड हैं तो उन्होंने आज एक स्टेटस देखा होता जिसमें मैंने एक स्टोरी शेयर की हुई थी। वो ये कि जब मैं पहली दफ़ा स्टेज पर चढ़ा था तो किस तरह से मैं कांप रहा था और किस तरह मेरे अंदर डर था और कौन से मेरे दोस्त ने मुझे इनक्रेज किया और मेरे अंदर इतना बिलीव पैदा किया कि तू स्टेज पर चढ़ सकता है। सो एक्चुअली उस दिन मैं कॉन्फिडेंस के लिए तो स्टेज पर चढ़ा था, लेकिन आई जस्ट वांट टू कन्फेस कि मैं उन दिनों चूँकि को एजुकेशन स्कूल में पढ़ता था तो मुझे एक लड़की भी पसंद होती थी। सो मुझे ये लगता था कि यार अगर मैं स्टेज पर चढ़ूँगा, कुछ अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मे बी शी गेट इम्प्रेस्ड। सो इसलिए मैं स्टेज पर चढ़ा था और मुझे नहीं पता था स्टेज पर चढ़ के क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। आई जस्ट मतलब मेरी अनाउंसमेंट हुई तो सलमान मेरा दोस्त है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया था, तू चढ़ स्टेज पर, तू बोलेगा और ये होगा वो होगा। और मैं उस तरह का बंदा हूँ, मतलब मैं अभी भी अगर किसी लड़की से बात करनी हो तो बहुत ज़्यादा शाय करता हूँ, तो उस तरह का बंदा हूँ। और क्राउड तो मैंने ज़िंदगी में कभी फेस ही नहीं किया था तो मुझे नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना। उसने कहा तू 3-4 शेर याद कर ले और बस तू स्टेज पर चढ़ी हो, तू मेरे साथ कंपेयरिंग भी कर रही हो। उसकी तो वीडियो खैर नहीं है अभी इस टाइम, वो भी है उसके पास। तो खैर जी हमने 3-4 शेर याद कर लिए, हमें ये मुझे अभी याद नहीं है वो कौन से एग्जैक्टली थे, लेकिन वो आप वीडियो में देख लेंगे। तो हम जी पहुंच गए और स्टेज पर, तो स्टेज पर पहुंचने के बाद अब मुझे समझ आया कि यार मैंने कहना क्या है, मतलब एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना होता है, मतलब क्या कहना होता है। तो मुझे नहीं समझ आई, चूँकि मूवीज़ वगैरह देखते थे तो मूवीज़ में ये होता था कि वो जब कोई मंत्री जी आते थे ना स्टेज पर, वो कहते थे प्यारे भाई और बहनों अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, और इस तरह का स्टार्ट होता था। तो मुझे वही बेहतर लगा, मैंने भी उसी तरह से स्टार्ट किया जी। और सो मैं स्टेज पर जब चढ़ा तो मैंने कहा जी प्यारे भाई और बहनों। अब जो मेरी क्लास थी, क्लास में से मोस्टली लोगों को पता था कि मेरा फलानी लड़की पर जो है ना क्रश है, ठीक है, और इस तरह का सीन है। अब मेरे उस प्यारे भाई और बहनों का जो वो मेरी डिलीवरी थी उस पर सारे हंसे, मतलब मेरे जितने क्लास फेलो उस पर, बिकॉज दे नो इट कि मैं कितना पीक था।
था उस टाइम, तो वो सारे हंस रहे थे। आप वीडियो में देखा होगा तो आपने देख, अभी वीडियो दिखाऊंगा तो आप देखना इंशाल्लाह। तो ये एक्सपीरियंस था। खैर जी, स्टेज पर चढ़ने का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ कन्फेस कर लेता हूँ, मैंने उस लड़की से कभी बात नहीं कर पाया आज तक, और आई ट्राइड लेकिन कभी नहीं कर पाया। और वो कह सकते हैं कह नहीं बल्कि वो डेफिनेटली मेरी पहली मोहब्बत थी और वो पहली मोहब्बत ही रहेगी, लेकिन अभी के लिए ये है कि उसका बच्चा होने वाला था, आई थिंक वो हो गया होगा बच्चा, तो यू कैन इमेजिन माई फीलिंग्स। सो कुछ बात नहीं, ये तो लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली शेयर करने का मकसद ये था कि यार अगर उस दिन मुझे सलमान स्टेज पर ना लेके जाता या मेरे अंदर ये कीड़ा ना होता कि मैंने उसको इम्प्रेस करना है, तो शायद मैं अभी आपके साथ बैठ के बात ना कर रहा होता, तो शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती आज के मैं आपसे कोई भी बात बिला झिझक बात कर सकूँ, तो शायद वो लड़का यानी कि मैं कभी जकरन ड्रामेटिक्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट, जकरन ड्रामेटिक्स क्लब को अवार्ड्स, जकरन ड्रामेटिक्स क्लब के बहुत सारे प्लेस की डायरेक्शन, जकरन ड्रामेटिक्स क्लब के बहुत सारे प्लेस को लिखना, ये कभी मुमकिन ना हो पाता। सो मैं उस दिन को ओ करता हूँ और मैं सलमान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने अपने कुत्तेपन के ज़रिए मुझे इनकरेज किया था और मैंने इतनी घटिया हरकत जाके स्टेज पर की थी, मतलब शायरी के नाम पे पता नहीं क्या सुनाया था, लेकिन अच्छे शायर थे यार, मेरे ख्याल में अच्छे शेर थे। तो दिस इज़ समथिंग फ्रॉम इनसाइड, थैंक यू सो मच सलमान साहिर खान, मेरे कुत्ते दोस्त, मेरे हरामी दोस्त, मेरे राजा जी बहु हरामी दोस्त वाले दोस्त, आपका एहसान है। सो ये जी कहानी थी आज की, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी वो वीडियो वो बल्कि मैं स्टार्ट में ही पोस्ट कर दूँगा, आपने देख ली होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम मैं आपके सामने शेर आपको पेश करना चाहता हूँ। सुना है उड़ते हुए परिंदों को कैद कोई कोई कैद नहीं कर सकता अपराध, उड़ते हुए परिंदों को कोई कैद नहीं कर सकता अपराध, जो अपने होते हैं वो खुद ही लौटा। एक और शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से वासी, ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से वासी, जरा बाहर निकल आए अपना ही आशाइयाँ भूल जाए। इन दोनों शार के जवाब में इकबाल साहब फरमाते हैं, परिंदे हवाओं से वफा करते हैं ज़मीन से नहीं, परिंदे हवाओं से वफा करते हैं ज़मीन से नहीं, अगर परिंदों से वफा चाहिए तो आसमान में उड़ना सीख ले।